अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA सिस्टम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एमएससी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं कि आपके पेपर्स में आए, साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने पेपर को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशंस 5002 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी एज पर कोर्स आउटलाइन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फॉर ऑनलाइन ट्यूशंस, सो AHA असिस्टेंस इज फैसिलिटेटिंग यू विद दैट एज वेल। सो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 आपका जो है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट आर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एंड 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हर यूनिट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको गाइड करूंगी इस वीडियो में। सो इस वजह से काइंडली टिल एंड वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं कि आप लोगों ने जो पेपर की तैयारी तो एक तरफ होती है, साथ ही साथ होती है पेपर की प्रेजेंटेशन, और पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी से आपके पेपर पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि एक एग्जामिनर जो होता है, एक जो पेपर चेकर होता है, उस पर काफी असर पड़ता है आपके पेपर की प्रेजेंटेशन का, और वो मैं आपको गाइड करूंगी थ्रू माय वीडियोस, इसलिए आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। यूनिट 2 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट 2 बिजनेस कम्युनिकेशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिक्स। ठीक है, ये दो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ गेस्ट पेपर्स कंपाइल किए हैं जो कि बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंस पे, रिसर्च पे और पास्ट पेपर्स पे। अगर कोई भी स्टूडेंट इन रिस्पेक्टिव कोर्स के गेस्ट पेपर्स रिक्वायर करता है तो उसके लिए यू कैन ऑर्डर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर्स। ओके, सो यूनिट नंबर 3 की तरफ मूव कर लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, इसमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और टीम वर्क जो फर्स्ट हेडिंग है वो, और इसके अलावा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मीटिंग्स। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मीटिंग्स जो है वो जिस तरह से मैनेजर्स के रोल्स होते हैं वो उसी तरह से आ जाती हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। ठीक है, लेकिन अब मीटिंग्स के हिसाब से लिखना है तो ऑब्वियसली मीटिंग्स में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं लीडर्स की, वो आपने यहाँ पर मैंशन करनी होती हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ अगर हम मूव करें तो चैप्टर नंबर 4 आपका एज सच नहीं है कि इसमें से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश से रेलेवेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, नाउंस प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स, वही चीजें जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश में, जस्ट इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन इस तरह से इसका क्वेश्चन अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ पास्ट पेपर्स में या अगर हम बात करें असाइनमेंट्स वगैरह में, लेकिन ये कि आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग के हवाले से हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मैसेजेस, और नंबर 2 पे आ जाते हैं नेगेटिव और पर्सुएसिव मैसेजेस। नेगेटिव या पर्सुएसिव मैसेजेस में से एक कोई आपका मस्ट आएगा, इसके काफी ज्यादा चांस है। अगर कोई भी स्टूडेंट सॉल्व गेस्ट पेपर्स रिक्वायर करता है तो उसके लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर्स। इसके बाद हम मूव कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ, बिजनेस कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाइलाइटेड हैं ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग और प्लानिंग रिपोर्ट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताती चलूं कि आपने अपना पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है, कौन से क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है, किस किस्म के क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है, हेडिंग्स किस तरह से लिखनी है, स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे करनी है अपने क्वेश्चंस की, वो तमाम डिटेल्स बहुत जल्द मैं आपको गाइड करने वाली हूँ अपनी वीडियोस में, इसलिए आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने, और अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया हुआ तो काइंडली बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मूव करते हैं यूनिट नंबर 7 पे, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें से जस्ट एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजीज एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको जस्ट हाईलाइट कर रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं या उनके आंसर्स, तो ऑब्वियसली उसके लिए मैंने सॉल्व गेस्ट पेपर्स प्रिपेयर किए हैं और वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑन पेमेंट आप मुझसे वो ले सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 7 हम कर रहे थे कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद मूव करते हैं यूनिट 8 कम्युनिकेशन एंड विजुअल एड्स की तरफ। इसमें से विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसी तरह से यूनिट 9 आ जाते हैं कम्युनिकेशन इन मार्केट, और इसमें से जस्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
सो लाजमी अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.